हमारा जीवन भी एक दिया जैसा है। जैसे दिया ऑक्सीजन पर चलती है, ऐसे हमारा जीवन भी इसी तरह से दिया के ऊपर आप एक कांच रख दो, उतनी देर जलेगा जितनी देर ऑक्सीजन है। तो दिया और जीवन में कहीं तो कुछ समानता है, उस समानता इसकी अस्तित्व में है। और तुम भी एक ऐसे दिया हो, ये तुम्हें दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा अप्प दीपो भवा, सिर्फ तेल की दिया जला के मत समझो तुमने दिवाली मना लिया, तुम खुद दिए बन जाओ, सबको रास्ता दिखाने वाले दिया बन जाओ। पतंजलि ने कहा मूर्त ज्योति सिद्ध दर्शन, अपने भीतर जो ज्योति है उसको जानोगे तो सिद्धता का, सिद्धों का दर्शन होएगा। कि हमारे जीवन में खासतौर से भारत में रामायण और महाभारत तो कुछ ना कुछ घटनाएं जीवन के साथ, किसी उत्सव के साथ जोड़ा गया है। इस तरह से जब श्री राम घर आए तब ज्योत जगाए, इसका एक गूढ़ अर्थ ये भी है, जब आत्मज्ञान अंदर से प्रकाश हुआ सो जग उजियारा हो गया, जग जगमगाने लगा, ये कहने के लिए, ज्ञान की विशेषता को दर्शाने के लिए कहते हैं। तो दिवाली में यही दिया जलाओ, प्रसन्न रहो, खुश रहो, औरों में खुशियां बांटो, पुरानी जो भी झगड़े झंझट थे, विषमता थी, उन सबको एक तरफ छोड़ दो, मधुरता से व्यवहार करो, मिठाई बांटो।